अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ कमल एंड दिस इज़ कमल्स वर्ल्ड। जैसा कि आप सबको पता है गाइस के मेरा जो सोफ़ा मैंने ऑर्डर किया हुआ था वो आने वाला था और फाइनली टुडे इट्स कमिंग। मैं ज़रा शॉप पे जा रही हूँ, सुबह सुबह का टाइम है गाइस, और मैं सुबह सुबह शॉप पे जा रही थी क्योंकि बच्चे जो हैं स्पेशली हादिया, उसको था स्टमक पेन। वो कंप्लेन कर रही थी कि मुझे पेट में दर्द है, तो मैंने सोचा कि ग्लूकोज़ेट लेके आती हूँ उसके साथ। ऑल द टाइम जब भी उसको पेट में पेन होती है मैं ग्लूकोज़ेट लेके आती हूँ, उससे वो पता नहीं कैसे बट शी फील्स बेटर। तो वो लेने जा रही थी और काफ़ी ठंड थी, आपने देखा होगा कि सारा कुछ वाइट था, तो इट वॉज़ रियली कोल्ड। बट वो लिया और फिर मैंने घर आके घर साफ़ किया। सोफ़े जो ओल्ड वाले सोफ़े थे हमारे, वो मैंने बाहर निकाले थे और नाइट में ही बाहर निकाल दिए थे, एक नाइट पहले बाहर निकाल दिए थे ताकि जो वॉल्स हैं और जो जगह है उसको हवा लग जाए और वो सारा फ्रेश हो जाए। तो वो सब कर रही थी, तो मैंने सोचा कि हूवर वगैरह कर लूँ ताकि फिर जब सोफ़े आए तो सारी रूम जो है वो क्लियर हो। तो ये अभी मॉर्निंग का टाइम था, सोफ़े जो हैं वो डिलीवरी आ गई थी। बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि स्कूल के लिए मैंने इनको रेडी किया हुआ था, और वो बोल रहे थे कि हमने नहीं जाना क्योंकि सोफ़े आए हैं। बच्चे जो हैं छोटी छोटी बातों पे एक्साइटेड हो जाते हैं, हालांकि मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। आई एम रियली हैप्पी कि आ गए हैं, एक नई फीलिंग आ जाती है ऑब्वियसली। तो मैंने उसको समझाया हादिया को कि बेटा आप जाओ, सोफ़े तो घर पर ही होंगे जब आप आओगी, तो डोंट मिस योर डे। और उसको ये भी है कि अटेंडेंस मेरी जो है वो लग जाए ताकि फिर मुझे प्राइज़ मिलेगा। तो टीचर ने उनको बोला है कि जिसकी अटेंडेंस पूरी होगी उसको हम प्राइज़ देंगे, तो उस चक्कर में फिर वो चली गई। तो ये हमारे सोफ़े आ गए थे, दे वर टू पीपल जिन्होंने डिलीवरी की थी, बहुत अच्छे थे, ब्लेस देम, दे वर रियली स्वीट। तो उन्होंने सारा कुछ करके दिया, फिक्स वगैरह जो नीचे वाले ये पार्ट्स थे ये फिक्स किए उन्होंने, और सेटिंग हमारी जो हो गई। सोफ़े जो आपको मैंने बताया था कि हम शॉप पे गए थे लेने, ये वाले हमने चूज़ किए थे और रूम में बहुत अच्छे लगते हैं। एकदम से ना अलग सी लुक आने लग गई है रूम की। अभी बस ये है कि मैंने कर्टन्स लेने हैं और कर्टन्स के साथ मैचिंग कुशन्स लूँगी, तो फिर रूम जो है वो और नाइस लगेगी। तो मैं सोच रही थी गाइस कि जिस दिन मैं जाऊँगी कर्टन्स और कुशन वगैरह लेने, आप लोगों को साथ ज़रूर लेके जाऊँगी, शॉपिंग करूंगी आप लोगों के साथ, और आपके साथ भी शेयर करूंगी कि कहां से मैंने बाय किए हैं। मेरा प्लान है कि कुछ इस तरह का कर्टन्स लूँ जो कि पेपर और मेरे सोफ़ा के साथ चला जाए, क्योंकि पेपर गोल्ड है, तो इस तरह का कुछ देखूंगी कि जो ऑड नहीं लगे, नाइस लगे। तो आपको साथ लेके जाऊंगी, सारा कुछ मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्लॉक जो है वो भी, और ये सामने पिक्चर लगी हुई है वो भी। तो वो पहले तो मैंने रेड सोफ़े थे और सारा कुछ रेड उस हिसाब से था, अब चेंज करूँगी। तो दुआ जो है वो सोई हुई थी और उसको पता चल गया कि मम्मा एक्साइटेड है और वो देख रही है, तो उसने डिसाइड कर लिया कि वो उठ जाए। तो फिर मैंने कैमरा पकड़ाया अपने डियर पति देव को। तो मैंने शान से कहा कि आप रिकॉर्डिंग करें मेरे लिए और मैं तब तक जाके बेबी को जो है वो सॉर्ट आउट कर लूँ। वो उठ गई थी, उसको भूख लगी हुई थी, तो मैं उसको मिल्क देने के लिए चली गई, और इसी दौरान साथ साथ बच्चों को, हादिया तो रेडी थी, हुज़ैफ़ा को करना था तो स्कूल के लिए उनको रेडी किया और इनको स्कूल भेजा। हुज़ैफ़ा क्योंकि नर्सरी में है तो उनके कपड़ों का इतना मसला नहीं होता, इशू नहीं होता कि यूनिफॉर्म वगैरह का, तो उसको भी मैंने रेडी कर लिया। और ये हमारे सोफ़े जो हैं वो देखें कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। तो अब मैं आपको ये अपनी किट दिखाती हूँ। ये कार्ड उन्होंने दिया था रिव्यू के लिए कि हमारा नाम और नंबर लिख के तो हमें रिव्यू दे देना, और ये थी किट, केयर किट। हाँ जी, तो ये देखें गाइस, ये इंक रिमूवर है, देखने में लगता है जैसे पेपर ग्लू स्टिक है लेकिन ये इंक रिमूवर है, यानी कि अगर बच्चे ने कुछ ऊपर लिख दिया हो या कुछ तो उसके साथ रिमूव कर लें। लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि बच्चे जो हैं सोफ़ों से दूर ही रहें,
खाना वगैरह भी टेबल पे खाएं, तो इनकी रूटीन बनानी पड़ेगी, तो वो बस अब मेरा मिशन है। और ये उन्होंने एक्स्ट्रा पेपर दिया हुआ था, पेपर टॉवल, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी फ़ौरन सोफ़ों की जो डिलीवरी हुई है, फ़ौरन उसके बाद इसके ऊपर लोशन करना था, और सर्कुलर मोशन में, यानी कि रब नहीं करना, बस ऊपर थोड़ा लगा दें हल्का सा, तो रिफ़्रेशिंग लुक आएगी। तो वो हमने अभी करना था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ जब हम करेंगे। शान स्टार्ट कर रहे थे, उन्होंने स्टार्ट कर लिया था, मैं उनको कह रही थी कि आप स्टार्ट करें, मैं आपके साथ, एक कोट मैं करती हूँ, उसके ऊपर डबल कोट आप कर लेना। तो ये क्लिंजर वगैरह थे यहाँ इसके साथ, और ये सारा कुछ था। इनको रोज़ यूज़ करने का नहीं है, वो ऊपर लिखा हुआ है कि आफ्टर 6 मंथ्स आप यूज़ करें इफ़ दे गेट डर्टी। तो ऑब्वियसली बच्चे हैं, बच्चों का घर है, डर्टी तो होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इन बेचारों की ज़िंदगी जो है वो थोड़ी ज़्यादा ही हो, क्योंकि इतने प्यारे हैं, मेरा दिल नहीं है कि जल्दी से ख़राब हो जाएं। तो ये किट थी उन्होंने दी, साथ दी क्या थी, बाय की थी मैंने सेपरेट से, ऑप्शन थी उन्होंने दी कि अगर आपने बाय करना है तो कर लें, तो मैंने बाय कर ली थी। आप थोट के चलें, सोफ़ों की ज़िंदगी ही बढ़ जाएगी, इसी चक्कर में मैंने ले लिए। तो ये शान ने स्टार्ट किया था करना, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती थी, कर लेती हूँ। तो उन्होंने बोला था कि हेड रेस्ट और जो आर्म रेस्ट हैं उन पे 2 बार करें, सीट्स पे एक एक बार ही इनफ है। तो हमने 2 2 बार सारे पे कर लिया, ताकि कोई डाउट ना रह जाए कि कम्प्लीटली हो गया सारा। तो शान जो है उन्होंने स्टार्ट किया, इसके बाद फिर मैंने उनको ज्वाइन किया, मैंने वीडियो बनाई आपको दिखाने के लिए। इसके बाद फिर मैंने उनकी थोड़ी सी हेल्प की कि इस तरह तो अकेला बंदा अगर करना स्टार्ट करे तो पूरा दिन वहीं अटका रहे। तो फिर आई हेल्प टेम, तो फिर ये कंप्लीट किया। इसके बाद फिर जो मेरी ग्लास यूनिट है उसको मैंने फिर क्लीन किया, साफ़ शाफ़ करके उस पर सेटिंग की, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे पता नहीं है गाइस कि मेरे साथ ही ये मसला है या सब लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम होती है। एक दफ़ा कोई चीज़ आ जाए मेरे माइंड में कि मैंने ये लेनी है, तो वो कीड़ा जो है वो तब तक निकलता नहीं है जब तक मैं बाय नहीं कर लूँ। यानी कि अब मुझे मसला बना हुआ है कि जब तक मेरे कर्टन, मेरे कुशन, वो सारा कुछ हो नहीं जाता, वो सारा कुछ लग नहीं जाता, मुझे कुछ होता रहेगा। और वो सामने मेरा वास पड़ा हुआ है फ्लावर्स वाला, शान के पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे रेड एंड वाइट फ्लावर्स, वो भी मैंने चेंज करने हैं। अब मैंने सोफ़े के हिसाब से और रूम की सेटिंग के हिसाब से लेने हैं। तो अब जब तक ये सब हो नहीं जाएगा, मुझे उलझन में मैं रहूँगी कि कब मैं जाऊँ और कब मैं लूँ। तो प्लान बना हुआ है सैटरडे का, कि सैटरडे जाके मैं लेके आऊँ। तो दुआ करें गाइस कि अल्लाह करे मैं सैटरडे चली जाऊँ और सारा कुछ ले आऊँ, और फिर मैं शान को बोलूँ कि आप लगाएं, मेरी हेल्प करें कर्टन्स वगैरह लगाने में। मेरे जो ये कर्टन्स हैं ना ओल्ड वाले, इनके साथ जो ऊपर वाला उसको क्या कहते हैं गाइस, जो कर्टन पोल्स हैं, इस दफ़ा मैं जो लूँगी, मेरा प्लान है कि सिल्वर या गोल्ड हो। जो ये पहले वाले हैं ये वाइट प्लास्टिक के हैं और ये डिफरेंट से हैं। कर्टन को थोड़ा सा हाथ लग जाए तो वो गिर के टूट जाते हैं, दोबारा दोबारा उनको लगाना पड़ता है, तो बहुत अनोइंग थे ये, बहुत बुरे लगते हैं, जहर लगते हैं मुझे, आई डोंट लाइक दैम। आई वेट कि मैं इनको चेंज करूँ। जी, तो ग्लास यूनिट जो है वो तकरीबन मेरी साफ़ होगी, अब इसको मैं साइड पे रखूँगी जहाँ पे मैंने इसको रखना है, कोने पे। तो अपनी सारी जो डेकोरेशन पीसेस वगैरह हैं वो सारे सेट करने हैं। सेटिंग में ट्राई करी थी कि थोड़ी सी डिफरेंट हो, ताकि कुछ तो अलग लगे और नाइस लगे। तो बहुत दफ़ा मैंने चेंज करके रखा, कभी बड़े वाले फ्लावर्स वास रखती थी, कभी छोटा रखती थी, कभी कुछ कभी कुछ, तो फाइनली एक सेट हो ही गया। तो अब मैंने वहाँ पे रख दिया, इस कोने पे मैं रखूँगी। ये थोड़ा सा कोना थोड़ा सा अनोइंग आपको लगेगा, थोड़ा सा ख़राब सा, क्योंकि हमारे घर में मोल्ड की मसला है, वो जैसे डैम्प, तो वो थोड़ा सा एक अनोइंग चीज़ है। उसके हल के लिए मैं लगी हुई हूँ, दुआ करें कि हल हो जाए, अदरवाइज़ बहुत बुरी अजीब सी एक स्मेल होती है मखसूस सी, जो कि आती रहती है, और इसने मुझे बहुत सताया हुआ है। गाइज़, मेरे अगले व्लॉग बहुत मज़े के होने वाले हैं, शादी है मेरे नेफ़्यू की, और आप प्लीज़ डोंट मिस, क्योंकि बहुत मज़े के व्लॉग होने वाले हैं। संगीत होगा, मेहंदी होगी, बारात वगैरह सारा कुछ मैं कवर करूँगी इंशाल्लाह। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि मेरे नए देखने वाले हैं, और जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं प्लीज़ जुड़े रहें, ताकि आपको मेरे आने वाले हर व्लॉग की नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त मिलती रहे।
आज के व्लॉग के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन बटन. अल्लाह हाफिज़.